हाय दोस्तों, मैं आ गया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सेकेंड T20 मैच को लेके नया अपडेट। पहला T20 मैच हारने के बाद अभी हार्दिक पांड्या ने ऐलान किया है कि अभी टीम में 2 या 3 चेंज हो सकता है। पहला मैच इतना बुरी तरीके से हारेगा, हार्दिक पांड्या ने भी खुद नहीं सोचा होगा कि टीम का परफॉर्मेंस इतना ही ख़राब रहा पहले T20 मैच का। कोई भी बैट्समैन नहीं चला, कोई भी बॉलर भी नहीं चला। उमरान मलिक को इतना पिटाई पारी, उसके बाद उसको और एक भी ओवर नहीं दिया। रोहित शर्मा की नेतृत्व में इंडिया ने न्यूजीलैंड को व्हाइट एयर कर दिया था। और क्या हार्दिक पांड्या सेकेंड T20 और थर्ड T20 मैच जीत के इंडिया को दिला सकता है ट्रॉफी? इसके लिए हार्दिक पांड्या ने नया ऐलान किया है, क्योंकि आप जगह मिल सकते हैं पृथ्वीराज शो को, क्योंकि पृथ्वीराज शो बहुत ही एक अच्छा फॉर्म में चल रहा था रणजी में। तो इसके लिए सेकेंड T20 में पृथ्वीराज शो को मिल सकते हैं प्लेइंग 11 में जाएगा, क्योंकि अगर T20 का दूसरा मैच इंडिया अगर हार गया तो सीरीज भी इंडिया गंवा देगी। ऐसे परिस्थिति में टीम को चयन करना भी हार्दिक पांड्या के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। अगर इंडिया अपने ही घर में ये T20 सीरीज हार जाता है तो हार्दिक पांड्या के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात होगा, क्योंकि इंडिया अपने ही देश में अपने ही मिट्टी में सबसे मजबूत टीम माना जाता है। और नेक्स्ट मैच होने वाला है लखनऊ में, जो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता है। अगर आप लोगों को मेरा क्रिकेट का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कल का मैच कौन जीतता है, इंडिया या न्यूजीलैंड।